ओए अंकिता अंकिता उठ 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 जल्दी उठ, देख कैमरा भी चालू है, जल्दी उठ उठ, घूमने जाने का, खड़ी हो खड़ी हो, जल्दी से बैग पैक कर ना ले, फटाक से उठ उठ उठ। क्यों उठूं मैं? अंकिता तू वीडियो में ऐसी आएगी फिर बोलना नहीं मेरे को, ब्लॉक कर रहा हूँ अंकिता, जल्दी से खड़ी हो। अंकिता उठ खड़ी हो, टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट यार दिमाग खराब है तेरा, ये कब से बोल रहा हूँ सरप्राइज है, जल्दी से खड़ी हो, जाने का है अपने को घूमने के लिए, खड़ी हो उठ जा। मैंने आने वाली तेरे साथ हुआ। क्या तू झूठ बोल रहा है, एयरपोर्ट ले जाके खड़ा रखेगा, मतलब तू एयरपोर्ट ले जाएगा फिर बोलेगा मैं तुम एयरपोर्ट क्यों जाएंगे, बाई कार जा रहे हैं, कौन सी ट्रिप पे जा रहे हैं, कार जा रहे हैं, सरप्राइज है, मस्त वाला सरप्राइज है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं, बैग पैक कर नहा ले, 30 मिनट है ज्यादा से ज्यादा तेरे पास, फटाक से खड़ी हो। तू पागल हुआ है 30 मिनट? ये देखो मैं इसको बोल रहा हूँ सरप्राइज ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ फटाक से रेडी हो जाए, इसको ये पड़ी है कि मैं ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, 30 मिनट बहुत कम होती है क्या? मुझे मेरी पूरी पैकिंग करनी है। पूरी पैकिंग क्यों करनी है, 2-3 दिन के लिए जा रहा है, उतना सामान ले और डाल दे, इसको खुशी नहीं है कि मैं इसको ट्रिप पे ले जा रहा हूँ, उसकी जगह इसको टेंशन हो रहा है मैं अभी करूंगी क्या। अरे उठ, झूठ तो नहीं बोल रहा, अरे झूठ नहीं बोल रहा, एक सेकंड यकीन करना है, तेरी कसम घूमने जा रहे हैं और अब तेरे पास 25 मिनट है, तूने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया 3 मिनट का। 25 मिनट में तैयार कैसे हो? मेरे को नहीं मालूम, तैयार होकर बैग पैक करके ना जल्दी सा, किरण मैं जानू रुक नहीं हूं, जल्दी करना, कोई कपड़े नहीं लाए हूं घूमने घूमने के, घूमने जा रहे कपड़े दिखाने नहीं जा रहे, फैशन शो करने नहीं जा रहे, ठीक है जल्दी कर। अंकिता को मैंने पैनिक करके उठा तो दिया, उसको पहले पहले यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने उसकी कसम खाई है, वो कसम क्यों खाई है, मैं वो कसम तोड़ूंगा या नहीं उसके लिए आप देखते रहो, वो रेडी हो जाने दो, हम कहीं नहीं जा रहे, 100K का टारगेट है हमारा एंड 65K तक तो ऑलरेडी हो गए, तो प्लीज सपोर्ट बहुत भड़कने वाली है, पर पहले उसको थोड़ा सा ऐसे यू नो यकीन दिलाए वैसे पूरा सा प्रोसेस करेंगे। फाइनली अंकिता तैयार हो गई है, और ये क्या कर रही है तू अंकिता? तेरी पैकिंग में तूने आके मुझे बोला मेरी पैकिंग करके, ने बोला ठीक है मैं एडिटिंग कर रहा था, मतलब कि मुझे तैयार होने दो मेरी पैकिंग करने की, इसकी पैकिंग करने की, मेरी पैकिंग के अंदर आप देख सकते हो मोस्टली क्या होता है, एक सेकंड ये अंकिता की चीज दिख रही है मुझे, एक स्ट्रेटनर रखा है और एक कॉम रखा है, उसमें तेरा क्या जा रहा है? अच्छा ठीक है, बट या ये बाकी सारे देख सकते हो, सारा का सारा काम का सामान पड़ा है अंदर, लाइट है, कैमरा है, बहुत सारी चीज़ें जा रहे थे, मैंने सोचा जाते जाते मेरी वॉच पहन लूँ जो बहुत टाइम से आके पड़ी हुई है, मैं सोचा अंकिता आएगी उसके बाद इसके अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे एंड देन आप लोगों को बताएंगे कि ये वॉच कैसी है क्या नहीं, तो लेट्स अनबॉक्स, अंकिता करेगी इसका अनबॉक्सिंग, रुक जाओ। तो ये बॉक्स ओपन हुआ, तो ये है गाइस अरमनी एक्सचेंज की वॉच जो मैंने किसी ऑर्डर एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने कोई वॉच ली है एंड सोचा है कि मैं वॉच पहनूंगा, ये बुकलेट है इसके लिए, कहीं सोचो एक वॉच के लिए कितनी बड़ी बुकलेट दी हुई है। मैं खोलूं और वॉच दिखाई दे, ओके वॉच इधर थी, ये वाओ बहुत अच्छी है, मुझे ऐसे गिर गई, दिमाग खराब है तेरा। तो गाइस पहले आप, तो गाइस पहले आपको पास से दिखा दूं, स्टिकर निकाल देना ऊपर का, तो गाइस आप देख सकते हो अरमनी एक्सचेंज की रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है वैसे, बट अमेजिंग प्रीमियम वॉच है, मुझे जैसे ये मैं सिर्फ ब्लैक पहनता हूँ, मेटल बेल्ट पहनता हूँ, राउंड डायल वाला पहनता हूँ और हैवी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटीज मुझे चाहिए, ये है ब्रांडिंग, पहन ली मैंने वॉच एंड इट इज़ लुकिंग सुपर सुपर अमेजिंग। अगर इसकी लिंक मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपको बाय चांस परचेस करनी है तो आप कर सकते हो। तो फाइनली निकल गए हैं और अंकिता ने बाल खोले नहीं है, पहले मैंने 2-3 बार जिद की इसको, देखो अभी मैंने तब आप लोगों के सामने बोला ना तो अब ये बात मान रही है मेरी, गुड गर्ल हो गई है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, अभी अंकिता को कोई आइडिया नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं, बस बिल्कुल अंधा रही हूं और मुझे सच्ची बोलो सबसे ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं ऐसे कपड़े कोई लेकर नहीं आई। आपको पता है ना गाइस लड़कियों का कैसा होता है, जब उनके पास 10,000 कपड़ों की जोड़ी होती है तब उनके पास कोई कपड़े नहीं होते हैं। और गाइस और मैंने जो प्लान किया था वो था अराउंड 7 बजे मैक्सिमम निकलना था, फिर पहले 5 से 6 सोचा, 6 से 7 सोचा, पर एट दी एंड हम लोग फाइनली एकदम अर्ली मस्त 11 बजे निकल रहे हैं। एक और चीज़ का मैं टाइम जाने वाला है हमारा, बीच में हमको PUC करवाना पड़ेगा,
पास ही में है, पीयूसी करवा लेता हूँ पहले। ओके गाइस, तो इस वाले क्लिप में थोड़ा सा झेल लेना, क्योंकि अभी एडिटिंग के वक्त मुझे पता चला कि एक्चुअली इस क्लिप में ऑडियो आया ही नहीं है। एंड दिस वाज द मेन क्लिप जहाँ पे मैं रिवील करता हूँ अंकिता को कि हम घूमने नहीं जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा भड़की थी, एंड जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि वो कुछ कंफ्यूज है, क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि ओके गाइस हमारा काम ख़त्म हो गया, हम वापस रिटर्न घर जा रहे हैं। रियली सॉरी, बट अगर ऑडियो होता तो ये और भी ज़्यादा मज़ा आती है आपको। बट इसके आगे जो कंटिन्यूएशन में ये है कि अंकिता बहुत ही ज़्यादा भड़की थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी, एंड उसके बाद मैंने उसको बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में तुझे लेके जा रहा हूँ एंड हम घूमने जा रहे हैं। एंड आप लोगों के लिए भी एक हिंट अंदर मैंने वीडियो में डाली हुई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वही मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो हमको तो आपको बहुत जगह पता चल गया होगा कि हम एक्चुअल में कहाँ पर है। तो नीचे कमेंट में हमको ज़रूर बताना कि क्या लगता है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रियली सॉरी अगेन ये लास्ट वाली ऑडियो ग्लिच की वजह से। बाकी सारे क्लिप्स मैंने चेक कर लिए, सारी सही सलामत है, तो व्लॉग पे कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना इंपॉर्टेंट, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्पेशली इस चैनल को सपोर्ट कर देना। 100K का टारगेट है, 68 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो डू सपोर्ट एंड एंजॉय द व्लॉग्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।